हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल क्वेरी सॉल्व पर। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, वो बात करेंगे हम आपकी नरेशन में चेंज ऑफ टेंस। ये भी जो वीडियो थी यानी अब जो आपकी क्लास थी, मैंने उसमें बताया था हाउ टू चेंज इट पर्सन, पर्सन को किस तरीके से हमें चेंज करना था। स्टूडेंट जो फर्स्ट पर्सन था उसको हम रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते थे, ठीक है, और सेकेंड वाले को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते थे रिपोर्टिंग वर्क, और थर्ड जो होता था उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते थे। तो आज का जो फर्स्ट रूल है, और ये भी मैं कई सारी चीज़ें आपको जनरली बताई, जैसे कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं हम, इनडायरेक्ट में इनवर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, और किस तरीके टेंस चेंज होगा अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में और आपकी फ्यूचर में, तो हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, अगर पास्ट में तभी आपका चेंज हो। जैसे यहाँ बताया गया है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्टूडेंट आपका टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी जैसा का आप टेंस दिया गया ऐसा कि ऐसा सेम उसको हम उतार देते हैं। जैसे यहाँ बताया गया आपका फर्स्ट एग्जांपल में बताया गया है कि राम से इज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सेल गो देयर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा आपका ब्लंक, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कैसी आपकी, इसमें ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी है आपकी सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में है तो इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे, इसका सेम ऐसे उतर जाएगा कि राम से दैट कंजक्शन हम दैट जरूर लगाएंगे, और ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट क्या राम और राम आपका थर्ड पर्सन है इसलिए हमने इसका यहाँ पर ही कर दिया है, तो ठीक है। तो राम से दैट ही विल गो देयर। नेक्स्ट सीमा से इज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा वन, ठीक है। तो सीमा से अब जैसा जैसा उतारेंगे आई वेंट, तो ये आपकी, ये हम लड़की की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने यहाँ पर सी का यूज़ किया है, यहाँ पर इस तरीके से हमें जैसा है सेम उसको हम उतार देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में बताया गया सी विल से टू मी, तो यहाँ आप क्या देखो ये जो आपकी बिल से है ये हमारी स्टूडेंट फ्यूचर में है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर या प्रेजेंट में होगी तो हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ आई एम रेडी टू हेल्प यू फुल स्टॉप यूनाइटेड कॉमा आपका बन, तो पहले हम क्या कर देंगे जैसा है सेम उसको उतार देंगे, सी विल टेल मी दैट कंजक्शन दैट लगाएंगे एंड सी इज रेडी टू हेल्प मी। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्टूडेंट अगर आपकी सिंपल प्रेजेंट में या आपकी फ्यूचर में होती है तो हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। रूल नंबर टू में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इसका मीन्स होता है अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो आपकी पास्ट में है तो हम आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हो तो हम इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में इस तरीके से चेंज करें। इसका मीन्स आप समझिए स्टूडेंट, ये जो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है आपका ये आपकी किस में है पास्ट टेंस में, और ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला जो टेंस है आपका प्रेजेंट में। जितने स्टूडेंट आपके प्रेजेंट में होते हैं प्रेजेंट के टेंसेस को हम सीधा का डायरेक्ट की डायरेक्ट हम आपके पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आपका सिंपल प्रेजेंट है सिंपल पास्ट में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस है सॉरी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे स्टूडेंट, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया है कि आपका इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में तो वो किस तरीके चेंज होगा, जैसे यहाँ बोला ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई राइट ए लेटर, तो आई के साथ हमने राइट यूज़ किया है तो आई राइट ए लेटर आई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ इसका बनेगा सेड का, सेड के बाद अगर आपका टू लगा होता है टू के बाद आपको कोई भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दिया होता है जब आपका सेड हमारा टोल्ड में कन्वर्ट होता है, तो ही सेड टू मी क्या हो जाएगा ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट आई या वी है तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो यहाँ आई का क्या हो जाएगा स्टूडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा और ही रोट ए लेटर, यानी सिंपल प्रेजेंट को हमने चेंज कर दिया आपके सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर बात करें ही सेड टू सीता कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई लव यू फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा, अब हम यहाँ बात करें तो सेट टू आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा सीता हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये भी आपका आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग, तो ही का ही होता है स्टूडेंट तो ही लव हर, तो यू का इसके अकॉर्डिंग हम आपका ऑब्जेक्ट को हर में चेंज कर देंगे यानी पजेसिव में। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट को हमने किस तरीके से सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम आपकी पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी पास्ट में आपकी, ठीक। जैसे यहाँ बताया गया ही सेड टू मी स्नेहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम डूइंग माय वर्क फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा वन, तो इसमें बताया कि इसने मुझसे कहा कि आई एम डूइंग कि वो अपना काम कर रही है,
उसकी बात को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, ठीक है, तो ही का ही रखेगा। सेट टू किस में इन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऐसे ले आएंगे ऑब्जेक्ट को हम, यहाँ आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, आपके रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या आपका ही है तो ही। एम का किस में चेंज हो जाता है सिंगुलर में, आपका वॉज हो जाता है और आई एन जी फॉर्म यूज करते हैं, और हिज वर्क, माई वर्क किसके अकॉर्डिंग ही है तो ही का पसे से क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका हिज वर्क, तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड स्नेहा दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, उसने स्नेहा को बताया कि वो अपना काम कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया है कि दिस सेट टू राम कॉमा इनवर्टेड कॉमा वी आर प्लेइंग फुटबॉल फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा वन, तो उन्होंने कहा किससे राम से कि वी आर प्लेइंग हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, तो दे टोल्ड सेट टू का टोल्ड में राम ऑब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन यूज़ किया हमने यहाँ पे, बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट, किसी चीज़ को ये मत सोचो मतलब हुआ मत मारो किसी चीज़ को, ये तो भाई हम पे हो नहीं सकती। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच जरूर करें, और मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आप अगर नरेशन में फेल हो जाओ तो मेरे से मेरी पढ़ाई हुई किसी भी टॉपिक में अगर आप फेल हो तो आप मुझसे जाके मिल लेना, आप फेल नहीं हो सकते, ये मेरी आपसे गारंटी है स्टूडेंट्स। तो वी है आई और बी, ये तो मैंने क्या बताया था, ये आपके रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वी तो किसमें इन्वर्ट हो जाएगी, दे का अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का स्टूडेंट दे हो जाएगा, और दे के अकॉर्डिंग आर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी वर्ब में, तो प्लेइंग फुटबॉल, दे टोल्ड राम, उन्होंने राम को बताया कि दे वर प्लेइंग फुटबॉल खेल रहे थे। नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट आपका कि प्रेजेंट परफेक्ट हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करें अगर आपकी रिपोर्टिंग वगैरह आपकी पास्ट में हो, तो जैसे यहाँ बताया गया ही सेड टू मी, उसे कहा कॉमा टू कॉमा दे हैव नेवर हेल्प मी, कि वो मेरी कभी भी मदद नहीं करेंगे, नहीं की, ठीक है, तो ही सेड टू का टोल्ड मी, दे है तो दे किस में आता है स्टूडेंट आपका थर्ड में आता है, और थर्ड है तो सैदा सीधा रहेगा, और हैव किस में, हैव का किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका पास्ट में, हेड हो जाती है और उसके बाद नेवर और थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका मी का हेम हो जाएगा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। तो राम सेट टू श्याम आई हैव सीन हर टुडे, कि मैंने उसको आज देखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, राम टोल्ड श्याम दैट ही हैड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, क्योंकि आई है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई का ये हो जाएगा, और हैड सीन हर दैट डे, तो आपका जो टुडे है ये आपका स्टूडेंट दैट डे में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया कि सीता सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव ऑलरेडी कुक्ड लिस्ट ऑफ कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ मैंने इसका सेट का टोल्ड नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ सेट के बाद ना तो आपका टू है और ना ही टू के बाद स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट यूज किया गया, इसीलिए हमने यहाँ पर सेट का सेट रहने देते हैं दैट, और यहाँ आई है तो आई क्या है, यहाँ सीता क्या सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सीता, मतलब हमें फेमिनाइन जेंडर का पता चल रहा है कि सीता क्या एक लड़की के लिए हम बोल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सी यूज़ किया और हैड ऑलरेडी कुक्ड, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट हम आपके पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, अगर आपका जो रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी पास्ट टेंस में, वो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट में, जैसे यहाँ बताया गया कि राम सेट टू में राम ने मुझसे कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तो मैं एक घंटे से पढ़ रहा था, तो यहाँ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि राम सेट टू है तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ टोल्ड कर दिया मी, अब आप देखो आई तो आई के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है हमारा राम रिपोर्टिंग वर्ब का, तो उसके अकॉर्डिंग आई का हमने किस में चेंज कर दिया स्टूडेंट हिमर ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, तो आपका जो हैज बीन है या हैव बीन है वो आपका अगर हम उसको यानी कि आपकी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट वो आपकी हैव बीन या हैज बीन होती है, और पास्ट में क्या हो जाती है वही आपकी हैड बीन हो जाती है, तो हैज बीन का हमने यहाँ हैड बीन, और उसके बाद हमने आई एन जी फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो भी आपका दिया गया है अदर सेंटेंस के पास्ट फॉर्म ऐसे के तैसे उतार देते हैं। एंड बी एग्जाम्पल में बताया गया कि अजीत सेड टू हर, अजीत ने उससे कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव बीन टीचिंग योर लवर फॉर ईयर, तो मैं हमारा जो लवर है उसको 4 साल से प्रेम सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो अजीत सेड टू हर, तो हर का हर होगा स्टूडेंट आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ आप देखोगे सब्जेक्ट क्या है आपका अजीत, और अजीत क्या आपका मैथ प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम आपके अजीत यानी हमें अजीत से पता चल रहा है नाम से कि ये हम मतलब किसी पुरुष के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ आई का स्टूडेंट हम ही कर देंगे, और हैव बीन आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा
हैड बीन में, और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आपके हर लवर फॉर हियर। तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट किस तरीके से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने, यानी जो आपके प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट थे, किस तरीके से उसको हमने सिंपल पास्ट में, या हम कहें कि प्रेजेंट को हमने पास्ट में किस तरीके से टेंस को कन्वर्ट करना सीखा। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि आप टेंस की जो क्लास कराई थी कि आप वहाँ से जरूर कर लीजिएगा उनको। तो स्टूडेंट आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.